प्रदेश में चुनावी माहौल है और ऐसे में हम सालों की नगरी अलीगढ़ में मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परिसर में मौजूद हूँ यहाँ के छात्रों के साथ। और जो पहला विषय हमने इस चुनावी माहौल में समझने की कोशिश की है वो है नोटबंदी का, जो पूरे देश में एक तरह से छाया हुआ है। छात्रों की जबानी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहां पहुंचे हुए हैं और यहां पर इस मसले को लेकर क्या सोच है। तो आइए मैं पहले इन मोहतरमा से शुरू करना चाहूंगी और इन्हीं से पूछूंगी, भैया आप बताइए नोटबंदी को लेकर क्या आपके जहन में चल रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आई एम अ हॉस्टलर एंड हॉस्टल में हम लोग कैश नहीं रखते अपने साथ, तो वो एक ठीक है, हमारे पास 1,580 नोट्स नहीं थी, बट हम लोग के पास लाइक वीकली बेसिस पे हम पैसे विदड्रॉ करते हैं एटीएम से, तो उसमें लाइन में लगकर और हम लोग तीन तीन दिन लाइन में लगे रहते थे, ये एटीएम के दरवाजे पे पहुंचते थे और एटीएम इज आउट ऑफ कैश। तो आप समझ गए होंगे ये जो छात्र बैठे हैं ये विपक्ष में बैठे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए आपका क्या कहना है, आप पक्ष में है पर? देखिए जब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल निकाला वो सडन सिर्फ इसलिए था कि अगर गवर्नमेंट पहले से बता देती कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद कर देंगे। सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी रखा जाता है वो 500 और 1000 के नोटों में ही रखा जाता है, तो अगर ये पहले से बता देते तो जिन लोग के पास भी ब्लैक मनी था तो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, वो लैंड में इन्वेस्ट कर सकते थे, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते थे। द रीजन वॉज, इसको एकदम से लागू करने का रीजन ये था कि जितना अराउंड 5000 मिलियन जो ब्लैक मनी था वो एकदम से नॉन वैलिड, उसको किसी काम का नहीं रहा, तो उससे जितने भी करप्ट काम किए जाते थे, जितने भी इलीगल एक्टिविटीज को फाइनेंस किया जाता था, उसका कोई यूज ही नहीं बचा। तो मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल डाला था वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। तो बिल्कुल ये हम देख सकते हैं पक्ष में। तो ये जो हमारे पास ग्रुप बैठा है ये पक्ष में बैठा हुआ है, ये विपक्ष में बैठा हुआ है, और अब इन दोनों की बहस चलेगी और अब समझेंगे वाकई में हम कहाँ पर, जमीनी स्थिति क्या है इधर एएमयू में। चलिए आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नोटबंदी एक सडन एक प्रपोजल इसलिए था क्योंकि अगर नहीं होता तो उसका जो अचीव का जो पर्पस था वो नहीं होता, वो तो हम सब मान रहे हैं, वो उसका रीजन भी हम समझ रहे हैं, मगर अगर गवर्नमेंट सरकार इतना ही सीरियस थी इसको लाने के लिए, कोई भी सरकार जैसे हम समझते हैं कैसे फंक्शन करती है, वो रात में डिसाइड नहीं करती कि कल ये होना है, एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है, तो क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा? और अगर सोचा तो जब वो नोट लाए तो वो नोट 5 दिन के बाद क्यों छपना शुरू हुए, 500 के नोट 6 दिन के बाद क्यों छपना शुरू हुए, उसका साइज क्यों डिफरेंट था, एटीएम से निकल नहीं रहे थे नोट्स, पहले भरे नहीं जा रहे थे फिर निकल नहीं रहे थे, तो ये सिस्टम क्यों ऐसे लैप्स हुआ? वहां से हाथ खड़े हुए जी, हाँ बताइए। जो जैसा कि अभी विपक्ष ने कहा कि गवर्नमेंट ने अचानक रात में ये फैसला किया, ये फैसला एक रात में नहीं लिया गया, ये फैसला कई सालों की मेहनत के बाद लिया गया। सबसे पहले इंडिया के लोगों को कनेक्ट करने के लिए आपके लिए आधार कार्ड बनाया गया, फिर जनधन योजना आई ताकि सब लोग बैंक अकाउंट से कनेक्टेड हो जाए, फिर जाके सडन ये मूव इसलिए लिए गए जैसे हमारे साथी ने बताया, ताकि अचानक अगर आपको बता के मूव लेते तो कोई भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता, कोई शेयर खरीद सकता, इसको अचानक इसीलिए रखा गया ताकि इसकी इंटेंसिटी हायर रहे और इसे जो कल्प्रिट हो वो पकड़े जाए। इनका जो ये एक आर्गुमेंट था कि जो तरीका था प्लानिंग ज्यादा नहीं हुई अचानक। मैं बताता हूँ मैम, इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, 125 करोड़ पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ अभी बैंकिंग सिस्टम एक बहुत एस्टेब्लिश नहीं है, तो आप अचानक कोई मूव अचीव नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई हर मेजर ले रहा है, फॉर एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट बैंक, नबार्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर एक मेजर पॉसिबल लिया जा रहा है कि गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी को, विलेज को, अर्बन एरिया को, सबको कनेक्ट करे। तो ये कह रहे हैं कि देखिए भाई एक डाइवर्स कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, इसलिए भाई इस समय आप जनधन योजना की बात कर रहे हैं, पर एक चीज जनगणना भी होती है, जब आपने पूरी कंट्री का सेंसेक्स निकाला हुआ है, आपने एक स्कीम निकाली है जैसे कि जनधन योजना, तो आपको टैली करना चाहिए कि अगर आप चाहते थे सबने बैंक अकाउंट कि सब बैंक अकाउंट खोलें, क्या सबने खोला? क्योंकि आपने आप कह रहे हैं कि हम पूरे देश में जनधन योजना कैरी आउट कर रहे हैं, पर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वी गॉट टू नो कितने सारे ऐसे एरियाज थे, मोबाइल एरिया से, जिनमें बैंक नहीं खुले, जो लोग अपना बैंक अकाउंट नहीं बना पाए, देश में लोगों के पास एक मोटे तौर पे कहा जाता है कि बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या वो एक अड़चन नहीं है इसमें? जी, जो उन्होंने बोला कि
बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है और रिमोट एरियाज में तो बैंक्स भी नहीं है. तो जब ये वाली पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली थी, अगर सबने पढ़ी होगी उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजन दिए थे जो असम के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बैंक्स नहीं थे. गवर्नमेंट ने वहां पे वैन्स भेजे थे कैश के साथ ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए. वहां के लोगों को जितना लोगों तक कैश पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाया. चाहे वो तब्दीली जो है माशरे के लिए अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, तो एक हमारे जहन में एक ज़हनियत बनी हुई है कि चेंज हमें तब्दीली पसंद नहीं है, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि तब्दीली तरक्की की बुनियाद है. और शायद हम ये सभी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तरक्की हम चाहते हैं. कहा जा रहा है इतने 27 करोड़ जनधन पूरे अकाउंट्स खुल गए हैं, उसमें 65,000 करोड़ के करीब पैसा है. यूपी में ही करीब 4 करोड़ जनधन के अकाउंट्स खुल गए, तो पैसा उसमें आया है. और शायद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पैसा वापस मत करना अगर किसी ने दिया है. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो वो अनअकाउंटेड मनी हो गया. आप कितना भी पैसा डाल रहे हैं, आप उसमें कितना भी डाल रहे हैं, तो ये क्या है? ये कोई मूव नहीं है. दिस इज नॉट अ मूव. तो इसके एक्चुअल एम होता ये ब्लैक मनी कम करने का, तो इसके और भी चीजें थे. वो लोकपाल लाते, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिजनेस में से जो नहीं अकाउंटेबल है उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते. आप ये कैसे कर सकते हैं? आप 3% लोग जिनके पास ब्लैक मनी है उनके लिए आप 97% पॉपुलेशन जो कंट्री की है उसको आप प्रॉब्लम में डाल रहे हैं. कैशलेस कहा जा रहा है कि इससे भाई हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं. देखिए वो कह रहे हैं कि काले धंधे की बात, काले धंधे बंद क्यों नहीं करवाते हैं. मैं उनसे ये कहूंगा कि जब हमें अंदर से कोई परेशानी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं. अगर स्टेज एडवांस हो गई होती है तो हम सर्जरी तक करवाते हैं. ये देश ग्रस्त है काला धन से. जगह जगह रेड डल रही है. आप ये देखेंगे गंगा में नोट बहाए जा रहे हैं, हर जगह कूड़े के डिब्बे में आपको पैसे रखे हुए मिलते हैं. तो हाँ, ये स्टेप था, ये स्टेप जरूरी था. हर मुद्दे के दो पहलू तो होंगे. तो यहाँ पे मुझे ग्रेटर गुड ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं नजर आ रहा कि बाद में सारे फायदे मिलेंगे हमें से. मैं अभी बोलूँ आपसे एक बात कि मैं अभी खुर्जा से होते हुए आ रही थी, तो खुर्जा में रास्ते में हमने एक ढाबे में हम लोग रुके चाय पीने के लिए. तो वहां पे उस होटल के जो वो ढाबा था वो कहने लगे जी हमारा तो धंधा चौपट है. तो मैंने कहा धंधा चौपट क्यों है? कि लोगों के पास पैसे जो आते हैं रुकते नहीं है, खर्चने के लिए नहीं है. तो मैंने कहा आप लोग तो बहुत दुखी होंगे अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर लोग नहीं रुक रहे हैं, कैसे आप लोग काम कर रहे होंगे? तो उन्होंने बोला कि हम उधार पे काम कर रहे हैं. वो गांव का इलाका है, सीमा होती है. सुनिए ना अब भाई यही क्यों हम लोग पशुपेश में, तभी हम आप लोगों के पास आए हैं कि भाई वो कह रहे मुश्किल बहुत है. वो अपने जो घर का काम सामान ले रहा है, दाल चावल वटेवर, वो सब ले रहा है उधार से. लेकिन वो कह रहा मैं नोटबंदी के पक्ष में हूँ. लेकिन आप ये बताइए, रास्ते भर में देख रही थी, हालांकि लोग सवाल पूछते हैं, जो हमारे केंद्र में नेता है वो कहते हैं कि भाई जो मीडिया है वो दिखाता है लंबी कतारों में लोग खड़े हैं. हाँ, लेकिन ये जो लंबी कतारें क्या ये परेशान करती नहीं है क्या लोगों को? करती है आप लोग भी मानते हैं? परेशान करती हैं, पर फिर भी जनता इनके साथ है. प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट से डिससैटिस्फाइड हो गए, यानी पार्लियामेंट ही उन्हें कुछ सपोर्ट नहीं करता है, तो वो खुद वोटिंग पे आ गए. प्रधानमंत्री जी 93% लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया. उनके खुद की ऐप के पोल से बात करते हैं. वित्त मंत्री कहते हैं कि मीडिया पूछता ही ये सवाल है कि आप परेशान है. वित्त मंत्री जी यहाँ पे पक्ष में लोग बैठे हुए, आप बताइए कि जो लाइनें हैं इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए क्या? इससे परेशानी तो हो रही है, लेकिन हम जो पक्ष में हम इसी स्टैंड को लेके खड़े हैं कि कॉज ओवर कन्वीनियंस के उसको लेके हम यहाँ पे रहे. जैसे अभी कहा कि ये जो डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी का मुद्दा है, ये परेशानी हो रही है. पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो उसका कितना अपोजिशन हुआ था, मनमोहन सिंह को, और क्या क्या कहा गया था उस टाइम के वित्त मंत्री को. पर आज उसी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से एफडीआई है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है. तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी चीज एक फॉरेन रिजल्ट नहीं देती है. हम एटीएम की बात करें, 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन आया था, इसमें की 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट खत्म किए गए थे. लेकिन इससे पहले आपको जनता को अवेयर कराना पड़ता है. डिमोनेटाइजेशन करने के 3 मेजर रीजंस होते हैं. पहला आप अवेयर कराते तो सारा काला धन चला जाता. ठीक है, एटीएम करेंसी का एक बहुत बड़ा रीजन होता है. आपने 2000 का नोट निकाल दिया, लोगों को ये नहीं पता कि 2000 के नोट को पहचाने कैसे. तो फेक करेंसी तो आपने कहाँ फेक करेंसी काम कर पाए? चला गया है उसको रिप्लिकेट करना. 2000 का जो नोट है हमने खुद देखा कि कितनी सारी जगहों से पता चला कि उसकी उस रेप्लिका मिल रहा है. जब 5,000 और 10,000 के नोट खत्म किए गए थे तो वो बहुत छोटा पोर्शन बनाते थे हमारी मेजर इकोनॉमी का. हाउएवर इस वक्त जब 500 और 1,000 के नोट आपने हटाए तो व्हाइट इकोनॉमी में 84%
इकोनॉमी 500 और 1000 का नोट एज अ कैश ट्रांजेक्शन % के ब्लैक मनी को लाने के चक्कर में बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा लॉ में प्रिंसिपल होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. डिमोनेटाइजेशन क्या करता है, सबको पहले गिल्टी डिक्लेयर कर देता है एंड देन यू हैव टू गो टू द बैंक एंड यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस नंबर वन. नंबर टू, आपने एक प्रॉमिस दिया, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ. वन इवनिंग यू गेट बाइपोलर, यू गो अप, आप ऊपर जाते हैं ऑन द डायस एंड यू स्ट्रेट अवे से नो दैट प्रॉमिस इट वॉज अ थ्रो अवे लाइन. और ठीक है, अच्छा नहीं, एक मसला है, एक मसला है कैशलेस. देखिए एक मिनट, आप सब लोग तो पक्ष पे होंगे कि भाई देखिए कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं. हमने थोड़ा बहुत सुना है आप लोगों की राय, लेकिन क्या जरूरत नहीं, वाकई ये समय नहीं आ गया है कि हम अपने कार्ड से जाके पेमेंट कर रहे हैं? आया है, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी इज नीड, इज द नीड, यस. बट जब जनधन योजना आई तो ग्राउंड वर्क ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल से 10 सालों से इन लोगों ने कहा, 10 महीने से भी अगर चल रहा था तो क्या इनके पास फैक्ट्स नहीं थे कि कितने लोगों ने बैंक अकाउंट सच में बनवाए हैं? उसी हिसाब से हम डीमोनेटाइजेशन उस टाइम पे करें. सिर्फ 40% सिटीजन के बैंक अकाउंट है तो 60% सिटीजन कहाँ जाएंगे जिनके पास बैंक अकाउंट? आपसे जानना चाहती हूँ, जो हमारा किसान वर्ग है, हमारे यहाँ रिपोर्ट चलती है कि भाई किसान की जो पैदावार हुई वो अब दिल्ली की मंडी के हमारे एक रिपोर्टर की थी कि पूरा एक गट्टा जो बोरी का था गोभी का, उसकी लागत आई 125 रुपए उसको उगाने में और 45 रुपए मंडी तक लाने में, और वो बेच कितने में रहा है? सिर्फ 100 रुपए में. तो जो ये कैशलेस सोसाइटी की बात की जा रही है, आपने अपने किसान को तो तैयार नहीं किया. मुझे बताइए, मेरे किसान को अगर उसकी लागत नहीं मिल रही है, उसकी सब्जी खराब जा रही है, अब 1 महीना होने को आ गया, ठीक है, पहला हफ्ता खराब हो गया, दूसरा हफ्ता एक किसान का खराब हो गया, अब ये 4 हफ्ते हो गए, प्रधानमंत्री ने 50 दिन की बात कही है. जो किसान, हम लोग तो फिर भी प्लास्टिक मनी से काम चला लेंगे, किसान कैसे चलाएगा? मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने या प्रधानमंत्री ने आपको वक्त दिया है और देना भी चाहिए, हमको उसके साथ पेशेंस भी रखना चाहिए. लेकिन ये भी बात सही है कि पेशेंस हम खो नहीं सकते. जितने भी आप सिर्फ इस मुल्क की नहीं, दूसरे मुल्क की बात करें, कहां रिफॉर्म नहीं आई है, आप कोई भी कंट्री उठा के देखिए, इंडिया में भी रिफॉर्म आई है, चेंजेस जो भी आई है, तो चेंजेस के लिए एक बैक उसमें कोई रिफॉर्म में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया. एक सवाल और भाई, इसमें कहा गया नोटबंदी से जो गरीब अमीर का फर्क समाप्त हो गया है, गरीब भी लाइन पर है, अमीर भी लाइन पर है, अमीर के नौकर ड्राइवर घर में काम करने वाले लाइन पे है, अमीर लाइन पे नहीं है. हम जब कैशलेस इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज समझनी होगी कि आधी 42% ऑफ रूरल पॉपुलेशन की टेली डेंसिटी 40% है, मतलब 50% से ज्यादा लोग जो रूरल इंडिया में रह रहे हैं उनके पास टेलीकॉम कम्युनिकेशन नहीं है, डिजिटलाइजेशन नहीं है. जन धन योजना में लोगों ने खाते खुलवाए, ठीक है, आपके पास प्रॉपर एक तो वो थे नहीं. नेक्स्ट थिंग इज दैट वी आर सीइंग के लोग अपने सर्वेंट्स के, अपने मेड्स के, अपने वर्कर्स के खातों में पैसे भरवा रहे. जब आप जीरो पे खुलवा रहे हो तो उनके पास पैसे कहाँ से आए? मैं पक्ष वालों से एक सवाल करना चाहता हूँ. सर, आप किस जनधन योजना की बात कर रहे हो और आप किस विकासशील देश की बात कर रहे हो? मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पे 10-15 किलोमीटर तक एक भी एटीएम नहीं है और वहां की जनसंख्या काफी है. सर, आप अपना मॉडल मत दो कि यही की कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? सर, मैं बिहार से हूं मैम, और मेरा गांव का नाम भाटावाड़ी है. मैं वहां के लोगों की बात करता हूं, वहां के लोग केरल में जाके काम करते हैं और वो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं. आप गरीब अमीर का फर्क मिटाना चाहते हैं और आप बात कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट लाएंगे कैशलेस इकोनॉमी के थ्रू, और इंडिया को कंपेयर किया जा रहा है स्वीडन जैसे डेवलप्ड नेशन से. हाँ. लेकिन वी नीड टू नो कि कितना फर्क है. लिटरेसी रेट इसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितने. देखिए, अब क्या अमीर और गरीब एक लाइन पर आ गए? अमीर तो दिखते नहीं है लाइन में. जब हम कैशलेस की बात करें तो ये तो विपक्ष ने भी माना कि कैशलेस इकोनॉमी की हमें जरूरत है. ये लोग कह रहे हैं कि 40% लोगों के पास कोई बैंक उसमें मतलब एक्सेस नहीं है. एक रियलिटी एक ये है, मतलब इट्स अ सैड रियलिटी बट इट इज अ रियलिटी कि इंडिया इज अ कंट्री विद अ ह्यूज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है. सेकंड, हम लोग कब से कब हो रहा है ये बताइए. मैम प्लीज आप मुझे ये बताइए, गरीब अमीर जो सरकार कह रही है कि भाई जो गरीब और अमीर एक लाइन में कतार में खड़े हैं, यहाँ पर ये अमीर लोग, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल. अब तक के करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए बैंक में अकाउंट जमा हो चुका है, जो कि जो स्मॉल बिजनेस भारत में चलता है वो ज्यादातर कैश पे चलता है, और जो कैश वो अनअकाउंटेबल है, उस पर सेल्स टैक्स नहीं दिया जा रहा है, सर्विस टैक्स नहीं दिया जा रहा है, और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. डायरेक्ट टैक्स का दायरा बढ़ेगा, डायरेक्ट टैक्स. अब बस आखिरी सवाल,
डायरेक्ट टैक्स का भी दायरा बढ़ेगा, सरकार कह रही है अब उसको ज्यादा टैक्स मिलने लगेगा। आखिरी मुद्दा मुझे लगातार ये है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। कल ही जो आरबीआई के डेटा आए हैं उन्होंने कहा कि हाँ जो हमारी जीडीपी है थोड़ी कम रहेगी, 7.6 से 7.1% रहेगी। 12 लाख करोड़ रुपए आए तो वो अर्थव्यवस्था के अंदर ही तो आए, मनी सर्कुलेशन बैंक पास आया, वही मनी तो आ गया। सर्कुलेशन जब एटीएम से पैसे निकलेंगे तब तो सर्कुलेशन में आएगा। एनपीए पर नॉर्थ ईस्ट के लोग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, जहाँ सिर्फ 7 स्टेट है, सिर्फ 5,000 एटीएम, उसमें से 3,000 सिर्फ आसाम में, बाकी और स्टेट के लोग। चलिए समझा नोटबंदी में पक्ष और विपक्ष को। एक छोटे से ब्रेक के बाद नोटबंदी का हमारी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और जो हमारे राजनीतिक दल है उनकी फंडिंग इसके दायरे में क्यों नहीं आती। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो नोटबंदी का असर हमारी राजनीति पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारी जो संसद है 65 दिन से चल नहीं पा रही है, 100 करोड़ का करीब नुकसान हो चुका है अगर संसद को देखें। दूसरी तरफ हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हमारे देश में जो राजनीतिक दलों की फंडिंग है उसको भी एक आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। तो पक्ष विपक्ष से आज हम समझने की इस समय कोशिश करेंगे कि हमारी राजनीति पर इसका क्या असर हुआ। तो आप लोग बताइए, अच्छा असर हुआ होगा कि नोटबंदी आ गई, यूपी चुनाव पे असर होगा इसका? मैम ये स्टेप जो लिया गया नोटबंदी का, इससे सबसे बड़ा जो असर होगा यूपी चुनाव का होगा, क्योंकि अब यूपी इलेक्शन 2017 में आने वाले हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अनअकाउंटेड और काले धन के जरिए से लोगों को वो करते हैं और अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उसको लोगों को पैसे देते हैं। अभी जो है आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है तो वोट्स पॉलिटिकल पार्टी खरीदती हैं। अब जब पैसे ही नहीं होंगे उनके पास तो वो वोट्स कैसे खरीदेगी? इस मूव ने पॉलिटिकल फंडिंग कर को पूरा कर किया है। उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन होते हैं सबसे बड़े इलेक्शन माने जाते हैं पूरे देश के, और इस मूव से जो मनी है सर्कुलेट होता है जो इलीगल वे से लोगों का वोट खरीदने के लिए होता है वो कर हुआ करना था पॉलिटिकल पार्टीज को, तो आप लोकपाल अपॉइंट कर सकते थे इस तरीके से, इमीडिएटली आप करप्शन को और ब्लैक मनी को कर्ब कर सकते थे इंस्टेड ऑफ इनकन्वीनियंसिंग 97% ऑफ द पॉपुलेशन। एक पॉइंट ये है, हम भी यही कह रहे हैं ये चुनावी गिमिक है, ये यूपी के इलेक्शन और इलेक्शन की वजह से किया है, देश प्रेम का आप झूठा सबूत दे रहे हैं कि देश की इकोनॉमी के लिए किया गया हुआ है। बीजेपी को भी तो परेशानी होगी ना इससे, अगर बीजेपी ये रूल ये आ रहा है न्यूज़पेपर्स में भी, इस अखबार आ रहे हैं, क्यों बीजेपी के नेता 2,000 की करेंसी के साथ पकड़े जा रहे हैं? इसका मतलब पहले से उन्होंने अपने नोट बदलवा दिए थे, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैम ये जो पॉलिटिकल पार्टीज मतलब ये पैसा देकर के वोट खरीदते थे अब ये कर नहीं पाएंगे मैम, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे आप लोग, क्योंकि पहले पैसा के बलबूते पे खरीद लेते थे। जो भी इलेक्शन होता है वो किस चीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट का कंसर्न गवर्नेंस से होता है। शायद अगर हम हमारा अपना ध्यान गवर्नेंस की तरफ दे तो उस पर हम देखना चाहिए कि एक तब्दीली की तरफ है। दूसरी चीज ये, दूसरी बात, एक पॉइंट ये बोलना चाहेंगे कि किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद उसके इंस्टीट्यूशन इदारे पर है, और अगर इदारा अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर हमारी तामीर अच्छी नहीं होगी। पैसे के बलबूते पे जो टिकट ले लेते थे अब वो भी नहीं हो पाए। मैम अगर पार्टीज को ही इंस्ट्रक्ट करना था, अगर पार्टीज को ही खत्म कर देना था तो आरटीआई के अंदर पार्टीज फंडिंग क्यों नहीं लेके आ रहे अभी तक, वो ग्राउंड वर्क होना था ना पहले। डिमोनेटाइजेशन जनरल पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैम इट्स अ सिंपल प्रिंसिपल, एक छोटा सा प्रिंसिपल है, द वन हु मेक्स द रूल विंस द गेम। जिस पार्टी ने रूल बना दिया है वो गेम जीत जाएगी, पूरा गेम उनके हाथ में है, जो होगा 2014 का इलेक्शन बताएगा। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में मैं देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पैसे के दम पे ही आते हैं। जो देखे बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठे, जो जिस तरह से ममता बनर्जी और जो कई नेता हैं, कई चीफ मिनिस्टर्स हैं इसके खिलाफ है, उसपे उससे फर्क पड़ रहा है? वो तो अपोजिशन फॉर्म करना चाहते हैं, वो अपोजिशन फॉर्म वाजिब साफ है, उनका हक है। और जो नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप में, तो आपको नहीं लगता कि ये पॉइंट ये है कि हमें ये भी समझना होगा कि ब्लैक मनी जो दो कॉन्सेप्ट हैं, ब्लैक मनी एज अ स्टॉक और ब्लैक मनी एज अ फ्लो, जब आपने ये पॉलिसी लाए तो आपने ब्लैक मनी एज अ स्टॉक को तो कंट्रोल करा होगा कुछ हद तक, लेकिन ब्लैक मनी एज अ फ्लो जो आगे आने वाला है उसको आप कैसे रोकेंगे? मैं विपक्ष को बुरा लग जाएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बेकार में व्यर्थ प्रयास कर रही है। आप लोकसभा को देख लीजिए, आप राज्यसभा को देख लीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर सब बोल लेंगे। लोकसभा को देख लीजिए, राज्यसभा को देख लीजिए, विपक्ष
खुद डिवाइडेड है, कोई कहता है मुझे इस नियम के तहत बहस चाहिए, कोई कहता है मुझे इस नियम के तहत बहस चाहिए, वो चाहते हैं, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। अपोजिशन 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 का ये कहना है कि प्रधानमंत्री चाहे यही तो बात है, यही तो मैं पकड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठे, प्रधानमंत्री राज्यसभा में बैठे, विपक्ष ने फिर हंगामा कर दिया और हाउस स्थगित करना पड़ा, हाउस स्थगित करना पड़ा। पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की क्या राय है, आपके सामने लाए, आगे भी लाते रहेंगे। नमस्कार।